खबर आगरा जनपद से, जहां तास नगरी के अग्रवाल भामा साहू ने आमजन की सेवा के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान रचते हुए महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के बैनर तले महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में महाराजा अग्रसेन स्वास्थ्य सेवा संस्थान का शुभारंभ किया। अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल सर्राफ, फाउंडर महासचिव डॉक्टर बी डी अग्रवाल, पुष्पांजलि ग्रुप कोषाध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष महावीर मंगल और फाउंडर सदस्य अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और समक्ष दीप जलाकर उनके जयकारे लगाते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प का शुभारंभ किया। इस दौरान उप सचिव मुरारी प्रसाद अग्रवाल, एकता बिल्डर्स अंकेक्षक राम रतन मित्तल, सरजू बंसल, मयंक अग्रवाल, पुष्पांजलि हॉस्टल विनोद गोयल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुपारी वाले, पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सतीश मांगलिक, प्रहलाद अग्रवाल, राजनारायण अग्रवाल, सुरेश चंद, दिनेश चंद, किशन मित्तल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तीन मंजिला अत्याधुनिक वातानुकूलित भवन में शुरू हुए स्वास्थ्य सेवा संस्थान में पहले ही दिन मरीजों का तांता लग गया। इस अवसर पर सेवाभावी डॉक्टर सहयोगी भामा साहू पदाधिकारियों और अग्र माधवी महिला मंडल का विशेष सम्मान किया गया। फाउंडर महासचिव डॉक्टर बी डी अग्रवाल, पुष्पांजलि ग्रुप ने कार्यक्रम का संचालन किया। 2.25 करोड़ रूपए से अधिक की जाँच मशीनें लगाई गयी है, जिसमें से 100 में डिजिटल एक्सरे, 250 रुपए में अल्ट्रासाउंड, 700 में सीटी स्कैन और 2500 में आंखों की जांच के साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत यहां मेडिकल स्टोर में बाजार से 50 से 70 फीसदी कम मूल्य पर दवाएं प्रदान की जा रही है। आप देख रहे होंगे लोग सिटी स्कैन केवल 700 रुपए में, एक दिन अधिका है। अगर आप पूरे आगरे के सभी हॉस्पिटल्स में या कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और 250 रुपए में अल्ट्रासाउंड जो की 1000, 1200, 1500 रुपए में होता है, 50 रुपए में केवल पांच दिन के लिए पहले कहेंगे। और जन औषधि केंद्र के भी एक किसान जो की बिना लागत मतलब प्रॉफिट और लॉस के बिना वो दुकान हमारी चलती है, एक एलोपैथिक की भी दुकान चलती है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। एक बात और मैं ये करवा दू, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा संचालित जरूर है, लेकिन सब समाज के लोगों का यहाँ पर भला होने वाला है। और लास्ट पायदान पर बैठा हुआ अगर कोई भी असहाय व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है और उनको अपना अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है आगे का, या कोई भी और काम करवाना है, स्कूल करवाना है, ऐसा काम करवाना है, उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, तो जो भवन की समिति उन लोगों के लिए भी इंतजाम करेगी। यहाँ के किसी को बिना इलाज के नहीं लौटाया जाएगा। इस यह उद्देश्य लेकर के महाराजा अग्रसेन सेवा समिति आगे बढ़ रही है। इसके बाद हम शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा भव्य कॉलेज सीबीएसई बोर्ड का भी खोलने जा रहे हैं, जो हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसको इतना प्रचार करें, इतना प्रचार और विकास कर रहे हैं, जितने भी कितने भी लोग हों वो इसे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।